प्रिय मित्रों, तो सीएमपीसी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। देखिए, जो रीट का मेंस के एग्ज़ाम के लिए जो अपन कंटेंट लेके चल रहे हैं, उस कंटेंट के अंदर आज का जो टॉपिक है वो लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है और ऐसा क्वेश्चन हमें रोंग नहीं करना चाहिए, और ये रोंग नहीं हो इसके लिए हम आज प्रॉफिट लॉस का जो मेन कॉन्सेप्ट वो समझ लेते हैं, और इससे हमारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सही हो जाएगा। आपका और मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन आता है वो सही हो जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसका कंप्लीट हो जाए, हमारे पास जो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो भी दे रखा होता है, इनको हम कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारी डेरिवेशन में, शॉर्ट डेरिवेशन में, है ना, तो वो मैं इसके अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने वैसे जनरल क्वेश्चन लिखे हैं, सामान्यतः जो क्वेश्चन जिस तरीके के पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहूँगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए जनरली काम जल्दी कैसे हो, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि 20% लाभ, ठीक है, 20% लाभ का मतलब आपको डायरेक्ट क्रय मूल्य तो मान लेना है 100 रुपये, हमेशा ही 100 मानना, और आपको विक्रय मूल्य जो SP है वो आपको 120, यानी 20% लाभ के अंदर हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही छुपे हुए हैं। 20% लाभ दे रखा है मतलब आपके क्रय मूल्य 100 रुपये और विक्रय मूल्य 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर 20% अगर हानि है, ध्यान देना लॉस, तो भी इसके अंदर भी हमारे पास में CP तो है अपन एज इट इज 100 लेंगे, और SP जो हम लेंगे क्योंकि हानि है तो हम इसके अंदर 80 रुपये लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना है, इससे हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ने में, सोल्व करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना, अगर यहाँ 10% लाभ है तो 100 और 110, 10% हानि तो यहाँ पर 100 और 90, ठीक है ना, ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना होगा। ये कॉन्सेप्ट लेकर के हम चलेंगे, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम एक ही पैटर्न, जो एक ही नियम या समानुपात अनुपात वाला जो नियम है, मैं सब जगह ये यूज़ करता हूँ, और सारे क्वेश्चन लाभ हानि हो, प्रतिशतता हो, अनुपात समानुपात हो, साझा हो, ये सारे सवाल इसी एक कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेबल को 7500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात 25% की हानि की बात कर रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला वाला, तो आप क्वेश्चन में दो चीज ढूंढ लें, हमारे पास में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मैंने कहा कि 25% हानि का मतलब होता है क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 75 रुपीज, ठीक है। ये 25% हानि को हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है, इसका अर्थ यहाँ लगा दिया, अब इसका काम खत्म। अब आप सवाल में और देख लें, टेबल को 7500 रुपये में बेचने पर, यानी 7500 क्या विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के नीचे इसको आप लिख लें आराम से, ये आपका खाली क्रय मूल्य, भले आप इसको x मान लें, उसके बाद में आप डायरेक्ट कुछ नहीं है, आप वज्र गुणा कर लें, सीधी सीधी बात, तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो आपको कोई देर नहीं लगेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये लिखा और नीचे ये 75, ठीक है, ये इससे कटा एक बार, यानी कि आपके क्रय मूल्य कितना आ गया, 10,000 रुपये, ठीक है, ये आपके आ जाएगा CP। ये इसका तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ध्यान देना, ठीक है ना, बिल्कुल इजी तरीका। अब अगला जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर, वो आप देखें, दूसरा वाला क्वेश्चन।
दस पुस्तकों का क्रय मूल्य 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन का लगभग एग्जाम में पूछने का पैटर्न यही रहता है। तो 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 15 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर क्या है कि 10 और 15 इस संख्या को देख ले, बहुत सारे इसको एक्स मानते हैं, ठीक है, एक्स नहीं मानना, आप इन दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में या इन दोनों का लसल ले लें, ठीक है। कैसे, ये जो कह रहा है कि 10 पुस्तकों, चलो पूरा लिख लेता हूं मैं, पुस्तकों का सीपी बराबर 15 पुस्तकों का एसपी बराबर, ये रहा बराबर है। हम एक काम करते हैं, 10 और 15 को एक साथ अपन ले लेते हैं, 10 × 15 जो संख्या उनको गुणे के रूप में लिख लें, कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, ध्यान देना, ठीक है। तो उस केस में आपके यहाँ पर एक पुस्तक का सीपी कितना हो जाएगा, ये 15 बटे में चले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये सीपी आ गया। और एक पुस्तक का एसपी कितना हो जाएगा, 15 हो गया ये, ठीक है, बटे में चला जाएगा 15, ठीक है, मतलब 15 बटे में चला गया। देखो 10 का निकाला, देखो थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई है, 10 का निकालेंगे तो 10 बटे में जाएंगे तो यहाँ 15 बचेगा, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपके 15 और ये हो जाएगा 10, सीधी सीधी बात है। तो ये यहाँ पर 10 पुस्तकों का आपके पास सीपी बराबर 15, तो ये दोनों अपन निकाल चुके आराम से। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है सीपी 15 और एसपी 10 हानि हो रही है, तो आप आराम से हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत कितना हो रहा आपको मालूम है, हानि बटा सीपी क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये हानि आपके पास 5 है और ये आपके नीचे क्रय मूल्य इंटू 100, ये इससे कटा 3 बार, तो ये 33 सही 1/3% की हानि हो जाएगी। बस ये आपको काम करना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सीधा सीधा आप यहाँ जो संख्याएं हो आप देखो ना, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी इनकी अपने को ये गुणा करने की, यहाँ भले वो कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, कहीं परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आप इससे डायरेक्ट भी आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन वो आइडिया के चक्कर में मिस्टेक हो जाए, इससे बेटर है कि ये 2-3 प्रोसेस को इसको फॉलो कर लेना, ताकि आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तीसरे वाले में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है इस तीसरे क्वेश्चन को मैं 2 मिनट या 3 मिनट में, यानी 2 मिनट तो नहीं, बहुत ज़्यादा लग जाता है, 3 मिनट या 2 मिनट मान ले, 2 मिनट में कैसे करते हैं और एक 10 सेकंड में कैसे करते हैं, इसकी मैं 2 विधि बताऊंगा। पहले मैं 2 मिनट वाली, राज ने 720 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियाँ बेची, फर्स्ट कुर्सी पर 20% लाभ, सेकंड पर 20% हानि, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा जो लॉन्ग मेथड है वो ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हम यहाँ पर 2 चीज़ें दे रखी है, 20% लाभ, ठीक है, तो ये एक काम कर रहा हूँ, 20% लाभ और ये आपके 20% हानि। प्रोसेस ध्यान में रख लें, मैं कैसे भी कहीं पर भी लिखूँ आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है। तो इससे आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, तो क्रय मूल्य 20% लाभ से आपके 100 और ये विक्रय मूल्य आपके 120 हो रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि क्रय मूल्य इसने 720 रुपये प्रति की दर से 2 कुर्सियाँ बेची है, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा आपके 720, ठीक है, ये आपके खाली। अब यहाँ पर भी आप ध्यान से देख लें, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सौदे में ये कह रहा है कि कुल पर कितने परसेंट आपको लाभ अथवा हानि हुई, तो यहाँ पर भी आपके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपये और दूसरी बार हानि है कितनी 20%, तो ये आपके 80 हो जाएगा, और यहाँ पर भी विक्रय मूल्य 720। दोनों केस में आप क्रय मूल्य निकाल लें, सीपी क्या हो जाएगा, ये 120 बटे में चला गया और ये 100 × 720, तो ये क्या आ जाएगा आपके 0 × 12 = 72, यानी कि ये 600 रुपये। और यहाँ पर दूसरी कुर्सी पर ये आपके फर्स्ट चेयर है ना, ये सेकेंड, तो सी पी इस पर क्या आ जाएगा, 80 तो चला जाएगा बटे में, और ये 100 × 720 ये कैंसल,
तो ये 8 × 9 = 72, तो ये आपके 900 हो गया, यानी कि आपके पास में कुल सीपी कितना हो गया, 9 और 6 = 1500, और कुल एसपी कितना हो गया, 720 और 720 1440 1440। तो अब आप देखो हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है, तो आप हानि प्रतिशत निकाल लें आप, वो हानि बटे क्रय मूल्य, यानी कि ये नीचे हो जाएगा आपके 1500, और ऊपर क्या बैठेगा इसके अंदर 60 बच रहा है ना, ये 60 × 100, तो ये आपके दोनों कैंसिल और 15 × 4 = 60, यानी कि 4% हानि, ये इसका आंसर है। ये तो हुआ आपके 2 मिनट का, या 1-1.5 मिनट लगा इसके अंदर। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट कर दूं आप इसके, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखें, दो कुर्सियां हैं और इस दर से बेचने की बात कर रहा है, और यहां पर फर्स्ट पर 20% हानि लाभ और सेकेंड पर 20% हानि है। ये दोनों आंकड़े समान है, दोनों ही जो रेट है लाभ और हानि की वो सेम है। जब कभी ऐसा आए, ठीक है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहली बात तो 20% लाभ और 20% की हानि की जब बात कर रहा है, तो आपके इसके अंदर टोटल कुल सौदे में हमेशा ही हानि ही होगी, और हानि प्रतिशत होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी x² / 100, यानी कि आपके ये 20 × 20 / 100, मतलब ये आपके 4% हानि, ये आपके 10 सेकेंड का काम। जब कभी दोनों समान हो, अगर यहाँ 10% लाभ और 10% हानि होती, तो आपको कुछ नहीं करना था, 10 × 10 / 100 = 1% हानि हो जाती, ये इसका सिस्टम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ जो भी डिजिट हो आपको ध्यान में रखते हुए उसको x² / 100 कर देना, और हमेशा हानि ही होगी, ऐसे सौदे में लाभ नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये इसका एक मेन पार्ट था। फिर मैं चलता हूँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया, हालांकि इसमें अगला पैटर्न और भी है, इससे अलग पैटर्न भी है, क्रय मूल्यों का अंतर, विक्रय मूल्यों का अंतर, 20% अधिक से बेचता तो इतने परसेंट हानि होती, इतने परसेंट लाभ होता, ऐसा सवाल भी है, वो मैं इसके अंदर नेक्स्ट वाले पार्ट में लूंगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो 4 कह रहा है वो क्या कह रहा है, कि पहली बार कह रहा है फर्स्ट केस में आपके, जब इसने कहा कि 20% क्या है हानि, ठीक है, तो आप देखें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 20% हानि का मतलब क्रय मूल्य तो 100 मानेंगे और विक्रय मूल्य क्या मानेंगे, 80, और इसमें दे रखा है 640 रुपये में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य, तो बेचने पर तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 640, ये खाली, तो आप इसको अगर सोल्व करें तो इससे आपका जो क्रय मूल्य है, इसको सीपी बोलते हैं, तो सीपी क्या आ जाएगा, इसको 80 आप बटे में कर दें, और ये आपके 100 × 640, तो ये कैंसल, 8 × 64, यानी कि 800 रुपये क्या आ गया, सीपी विक्रय मूल्य आ गया। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड में ये कह रहा है कि अगर 20% लाभ चाहिए होता, ठीक, तो वो कितने में बेचेगा, तो 20% लाभ की अगर बात करें तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, आप देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य आपके 80, ठीक है, नहीं दूसरा क्या लाभ कह रहा ना, सॉरी इसमें लाभ की बात कर रहा है, दोनों बार हानि कैसे हो सकती है, ठीक है, तो ये लाभ वाला सौदा ही लेगा, हानि का नहीं लेगा, तो ये आपके अब की बार क्या हो गया, 120 रुपये, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि 800 रुपये इसकी बार ये कह रहा है कि क्रय मूल्य, ध्यान से देखना, ये इसको अपन यहाँ यूज करेंगे, तब विक्रय मूल्य, क्योंकि इसने पूछा ना कि 20% लाभ हेतु कितने में बेचेगा, है ना, तो ये वाली बात इसने पूछी है, तो ये डायरेक्ट वही तरीका, हमेशा ध्यान रखना जो अननोन हो उसके सामने वाली संख्या हमेशा बटे में आती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत अक्सर अपने को पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको लिखा, एसपी 100 बटे में चला जाएगा,
ये आपके 800 और ये आपके 120, तो ये आपके कैंसिल 12 8 96 960 रुपये में। यानी कि अगर उसको 20% लाभ अगर चाहिए ऐसे सौदे में तो उसको वह 960 में बेचेगा। ये आपके लाभ हानि का आज का जो पैटर्न है इसके अंदर मैंने बेसिक पार्ट जो बता दिया कि लाभ परसेंट, हानि परसेंट और क्रय मूल्य गिवन हो डिजिट में विदाउट परसेंटेज और विक्रय मूल्य दिया हो तो हम उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जब कभी इसके अंदर छूट वाली बात आती है, कमीशन वाली बात है ना, तो कमीशन जैसे मान लो दे रखा है कमीशन 10%, तो उस केस में कमीशन के केस में, क्योंकि ये भी परसेंटेज में, जब लाभ और हानि कर लेते हैं परसेंटेज में तो उस समय अपन क्रय और विक्रय का पहले ही पता लगा लेते हैं कि 100 और 80 इस तरीके से, 100 और 120 इस तरीके से, तो कमीशन 10% है तो यहाँ पर कौन से दो मूल्य हम लेंगे, उस समय हम लेंगे अंकित मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, ये इसमें आएंगे। कमीशन के टाइम पे क्रय विक्रय नहीं, अंकित और विक्रय आएगा, यानी अंकित तो अपन लिखेंगे 100 और विक्रय हमेशा ही लिखेंगे हम, क्योंकि छूट है इसलिए 10 को इसमें से घटाएंगे। उसमें तो प्रॉफिट लाभ और हानि की बात थी तो लाभ में अपन जोड़ लेते हैं 120 कर लेते हैं 100 की जगह, और हानि में 190 का अपने क्या नाम है 80 कर लेते हैं 20 घटा लेते हैं, लेकिन छूट वाले मामले में हमेशा हमेशा हम घटाएंगे। 10% छूटे तो विक्रय मूल्य 90, 20% छूटे तो विक्रय मूल्य 80 रुपये, 30% छूटे तो विक्रय मूल्य इसके अंदर 70 रुपये हो जाएगा। तो जिस तरीके से अपन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले में यहाँ पर क्रय विक्रय लिखते हैं, वैसे ही अंकित विक्रय वाले में हम वहाँ पर ऊपर या अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य वाले दो कॉलम बनाएंगे। ये यूनिटरी मेथड ही है, एकिक नियम है ना, जिसको अपन अनुपात, समानुपात, परसेंटेज वाले सवाल सभी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको क्रय और विक्रय दोनों के पैटर्न को, आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जिसके सवाल हम इजी वे में कर सकें, हम स्टार्ट कैसे करें, वो मैंने इसके अंदर आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें इसको, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। थैंक्स।